साथियों, वाराणसी हो, भदोही हो, मिर्जापुर हो, ये कारपेट उद्योग के सेंटर रहे हैं और अब ये देश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का भी ग्लोबल हब बन रहे हैं। पिछले महीने ही पहली बार दीनदयाल हस्तकला संकुल में बहुत ही सफलता के साथ इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया। दिल्ली से मैंने इस एक्सपो की शुरुआत की थी। वाराणसी से कोलकाता तक नेशनल वाटरवे की शुरुआत से इस सेक्टर से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा होगा, उन्हें एक्सपोर्ट में और मदद मिलेगी। साथियों, सुगमता का सुविधा से सीधा रिश्ता होता है और सुविधाएं कभी कभी गौरव का कारण भी बनती है। बाबतपुर हवाई अड्डे से जोड़ने वाली वर्ल्ड क्लास सड़क, वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास सड़क इसका उदाहरण है। मुझे बताया गया कि लोग दूर दूर से रास्ते की सेल्फी लेने आते हैं। पूरे सोशल मीडिया में बनारस छाया हुआ है, ये रास्ता छाया हुआ है। अभी त्योहारों का समय है, आप लोगों में जो भी इस बार हवाई जहाज से घर आया होगा, वो बाबतपुर हवाई अड्डे से निकलते ही गर्व से भर गया होगा। मुझे बताया गया है कि कुछ दिन के लिए जो बाहर गए लोग अब जब शहर में वापस आ रहे हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो उसी हर हुआ और तरना शिवपुरी के रास्ते से गुजर रहे हैं। अब वो भी दिन याद करिए जब इसी सड़क पर जाम की वजह से आपकी फ्लाइट छूट जाती थी, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए घंटे पहले निकलना होता था, सड़क के गड्ढे आपको रुला देते थे। अब ये स्थिति बदल गई है। साथियों, 800 करोड़ रुपए के ज्यादा की लागत से बाबतपुर एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली सड़क ना सिर्फ चौड़ी हो गई है, चार लेन की हो गई है, बल्कि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी है। इस सड़क से काशीवासियों का, यहां आने वाले पर्यटकों का समय तो बचेगा ही, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। शहर के रिंग रोड का पहला चरण भी आज काशीवासियों को समर्पित किया गया है। करीब 760 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई ये सड़क से गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़ और अयोध्या की तरफ आने जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर अब एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, रोड के ये दोनों प्रोजेक्ट बनारस शहर की दशकों पुरानी मांग थी। प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही मैंने इन दोनों ही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का प्रयास शुरू किया था। आपके सहयोग से ही ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अब रिंग रोड के दूसरे चरण का काम भी तेजी से चल रहा है, उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इन परियोजनाओं से जहां एक और बनारस शहर में जाम की समस्या कम होगी, वहीं प्रदूषण भी घटेगा और आपका समय भी बचेगा। इससे पर्यटकों का सारनाथ जाना भी आसान हो जाएगा।